किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनोज कुमार साहू, विषय वस्त्र उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। किसान भाइयों आज हम चर्चा करेंगे शकरकंद की उन्नत उत्पादन तकनीक। किसान भाइयों आपको पता है कि शकरकंद खेती संपूर्ण भारत में की जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी अंचल के किसान भाई हैं वे बहुत ही आयत में इसकी खेती करते हैं। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि शकरकंद कैसी फसल है। तो किसान भाइयों शकरकंद जो है एक कंदी फसल है जो कि तीनों सीजन में लगाया जाता है और इसका जो वनस्पति नाम है वो आइकोमाइन बटाटास है। इसका जो कुल है वो कर्मोलानुसी फैमिली है। ये इसके कंदों को उबाल कर भूनकर खाने में तथा चिप्स बनाने में किया जाता है। इसके कंदों का उपयोग व्रत उपवास नवरात्रि एवं अन्य धार्मिक प्रयोजन में प्रसाद रूप में किया जाता है। साथ ही साथ कंद के इसकी कोमल पत्तियों को भी साग भाजी के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है इसके कंदों से चिप्स खीर हलवा गुलाब जामुन तथा अन्य स्वादिष्ट परिष्कृत खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों आजकल वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो लोग जो है जो बेबी फूड बना रहे हैं उसमें शकरकंद का पाउडर बनाकर उसके बच्चों को डाइट में मिलाते जा रहे हैं। इस प्रकार से ये फसल की विशेषता है। अब हम चलते हैं कि इसका इस कंद का पौष्टिक गुण क्या क्या है। प्रोटीन 1.6 ग्राम, वसा 0.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 20.1 किलोग्राम, खनिज पदार्थ कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम विटामिन ए थायमिन राइबोफ्लेविन नियासिन और ऊर्जा ये इसमें बहुत आयत में पाया जाता है। सबसे अधिक इसमें विटामिन ए जो नारंगी कलर के जो किस्म है शकरकंद की उसमें अधिक पाई जाती है और बच्चों का नौजवानों का आँख की रोशनी बढ़ाने में लाभदायक है। साथ साथ किसान भाइयों ये जो शकरकंद है ये आदिवासी अंचल के किसान भाई लोग जो है इसको रिजर्व फूड के रूप में रखते हैं। जब उनके पास जो अनाज कमी पड़ जाता है तब इसको निकाल कर उबाल कर खाने के काम में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शकरकंद की खेती के लिए जलवायु की कौन सी आवश्यकता होती है, कहाँ पर लगा सकते हैं, किस मौसम में लगा सकते हैं, कौन सा सीजन में लगाते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम देखते हैं कि शकरकंद के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब जब पौधे के पैदावार के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और कंद बनने के लिए थोड़ा सा ठंड और नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। जिन स्थानों पर 750 मिलीमीटर या इससे अधिक वार्षिक वर्षा होती है वहाँ की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ ये शकरकंद है ये वर्षा आधारित खेती करते हैं, इसीलिए इसको जो है रेन फेड फार्मिंग खेती भी कहते हैं। इस खेती को इसकी फसल को जो है तो सूखे के प्रति सहनशील होने के कारण इसकी वर्षा आधारित खेती भी की जाती है। अच्छी व्यवहार के लिए उपज के लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसकी जलवायु की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं किसान भाइयों कि शकरकंद की खेती के लिए कौन सी भूमि की जाती है। तो इसके लिए शकरकंद की खेती के लिए उत्तम जल निकास के साथ साथ प्रायः हर प्रकार की भूमि की जाती है, लेकिन बलुई दोमट भूमि इसके लिए आदर्श मानी जाती है। इसकी खेती के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसका पीएच मान यानी कि क्षारीयता और अम्लीयता भूमि का 5.6 से 6.7 के बीच में होना चाहिए। किसान भाइयों हमारे छत्तीसगढ़ में सामान्यतः किसान जहाँ पे नदी का छार है वहाँ पे बहुत ही अच्छा खेती करते हैं इसका, और बरसात के मौसम में खासकर इसकी खेती जो है जब पानी जो है नदी के किनारे जो बरसात की होती है वहाँ पे करते हैं। रेतीली भूमि जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है इसके लिए। शकरकंद की उन्नत किस्में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शकरकंद में जो है दो प्रकार की किस्म वो है किस्में पहला है सफ़ेद बुद्धा वाली और दूसरा है नारंगी कलर की जो है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं कि नारंगी किस्म कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले है इंदिरा मधुर। इस किस्म का खासियत क्या है,
कि ये फसल अवधि ये 120 दिन का फसल है और इसकी जो औसत उपज है वो 220 से 260 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एक किस्म की विशेषता क्या है कि ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित और मध्यम अवधि की किस्म है। इसमें कैरोटीन की प्रचुर मात्रा तथा कलों का रंग लाल कलर का लाल और गुदा का रंग जो है नारंगी होता है और पाक में उत्तम गुणवत्ता होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो पे, इसका छिलका कलर जो है लाल है लेकिन जब आप बीच में काटते हैं तो बीच में जो है नारंगी कलर का ये कलर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो किस्म है किसान भाइयों वो है श्री रेतना, ये भी 90 से 105 दिन की किस्म है और ये भी प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल इसका पैदावार है। साथ ही साथ इस किस्म का जो है वो खासियत ये है कि रेतना श्री रेतना का जो पत्ती है वो चौड़ी आकार की है, जैसे कि देख रहे हैं ये मेरे इसमें जो है ये चौड़ी आकार का पत्ती है इसका और ये गोल लंबे आकार के कंद होते हैं और इसे गुदा का रंग जो है नारंगी होता है। स्टार्च इसमें 22 से 23% तक कंद में पाया जाता है और स्वादिष्ट होता है। इस प्रकार से ये श्री रेतना जो है बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा जो तीसरी वैरायटी है जो किस्म है ये है छत्तीसगढ़ नारंगी। छत्तीसगढ़ नारंगी किस्म की क्या खासियत है किसान भाइयों, ये भी जो है 90 से 100 दिन की इसका फसल अवधि है और ये लगभग 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है और इसमें साथ साथ जो है पौधे सीधे इसे कल जो है मूली के समान फ्यूजी फार्म होता है। साथ साथ इसका जो गुदा जो है वो नारंगी होता है। इसमें शुष्क पदार्थ जो है वो 25.17% होता है और इसमें कैरोटीन की जो मात्रा है वो 5.72 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पे पाई जाती है। आप देख रहे हैं इसका जो है बिल्कुल जो है मूली के समान लंबा कंद है। तीसरी वैरायटी किसान भाइयों ये तो हो गया अपना नंदनी। जो नंदनी जो किस्म है ये फसल अवधि इसका 100 से 105 दिन का है और ये 3 से 4 कंद प्रति पौधा और कंदों का छिलका गहरा सफ़ेद होता है। लेकिन इसको ये जो किस्म है ये सूखा सहन करने वाली किस्म है और जहाँ पे पानी कम गिरता है वहाँ पे आसानी से इसको लगाया जाती है। अगला किस्म है श्री भद्दड़। श्री भद्दड़ जो है ये चूँकि सफ़ेद गुदे वाली किस्म है और ये अगेती किस्म है। किसान भाई इसको जल्दी सामान्यता जो है जो बरसात का मौसम है वहाँ पे इसको लगाते हैं जल्दी और इसका पत्ती का जो रंग है वो हरा होता है। पत्ती से ये चौड़ी पत्ती दिखा देख रहे हैं आप लोग, इसकी पत्ती जो है ऐसे चौड़ी कलर का रहता है, चौड़ी होता है और कंदों का आकार बिल्लाकार, कंदों का छिलका हल्का गुलाबी और गुदा का रंग जो है सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से ये कंद का साइज जो है मैं आगे बताऊँगा लगभग जो है 1.800 ग्राम मतलब 2 किलो के आसपास जो है होता है। तो ये किसान भाइयों इसका जो है अपन पाउडर बनाने के लिए बहुत ही उपयोग लाया जाता है। अगला किस्म है इंदिरा किया जिसको हम जो है छत्तीसगढ़ शकरकंद कहते हैं। ये इसका जो फसल अवधि है ये भी 100 से 110 दिन की है। इसको जो औसत उत्पादन है वो 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म की क्या खासियत है, क्या ये एक बौना है और सीधा बढ़ने वाली है, ज़्यादा नार फैलता नहीं है इसका पता और कंद जो है कंद का जो छिलका है वो हल्का गुलाबी होता है लेकिन गुदा इसका जो है सफ़ेद होता है। ये पाउडर बनाने के लिए बहुत अच्छा किस्म है और इसमें 23 से लेकर जो है 39% तक जो है इसमें सरकरा पाए जाते हैं, ड्राइवर पाए जाते हैं शुष्क पदार्थ और 1.42% जो है इसमें शक्कर की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों अगर जो किस्म है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ये गौरी, ये जो गौरी किस्म है ये पूरा नारंगी कलर का होता है। खासियत क्या है कि ये फसल अवधि है इसका 100 से 120 दिन पक के तैयार होता है। औसत उपज इसका 190 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसका फसल विशेषता क्या है फल के कंद का कि जो कंदों का रंग है लाल गहरा नारंगी गुदा, कंदों का आकार शंकु आकार का और उच्च कैरोटीन वाले मतलब इसमें जो पीलापन है नारंगी कलर जो है वो अधिक होते हैं और ये सूखा सहनशील तथा खरीफ और रबी दोनों में लगाए जाते हैं। एक और किस्म है किसान भाइयों सफ़ेद गुदा वाली, उसका नाम है इंदिरा नवीन। फसल अवधि है 90 से 100 दिन।
साथ ही साथ इसका ये भी जो है बहुत जल्दी शीघ्र पकने वाली किस्म है, ये बात और 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कंद का रंग लाल, हल्का लाल रंग होता है और गूदा इसका पूरा सफ़ेद दुधिया होता है और ये जो बेबी फूड है उसके लिए पाउडर वगैरह के काम आता है और ये द्विफसली खेती हेतु उत्तम किस्म है, यानी कि आप खरीफ भी लगा सकते हैं, रबी भी लगा सकते हैं और समर भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं किसान भाइयों, ये तो अपन चर्चा किए कि कौन कौन से उन्नत किस्में हैं, सफ़ेद गुदा वाली कौन सी है, नारंगी कलर वाली कौन सी है। अब अपन चलते हैं कि इसका रोपने का समय क्या है, हम इसको कब लगाएं, इसके अपन चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा आधारित खेती के लिए मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक का समय रोपण के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त जो है सिंचित अवस्था में अक्टूबर नवंबर एवं फरवरी माह भी इसकी खेती रोपण किया जाता है। किसान भाइयों, जो नदी किनारे जिसे हम दियारा भूमि में शकरकंद का रोपण जो पानी उतरने के बाद नवंबर दिसंबर माह में किया जाता है, जो ग्रीष्मकालीन शकरकंद की खेती है उसके लिए आप चाहते हैं कि उसका मदर प्लांट तैयार करें तो उसके लिए मार्च अप्रैल में आप अपने ज़मीन पर इसे कटिंग लगा सकते हैं। अब देखते हैं किसान भाइयों की रोपण सामग्री इसका कैसा होता है, इसका प्रावधान कैसे करते हैं और इसका प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा कितनी आप आवश्यकता होती है। तो अपने सबसे पहले अपन चलते हैं इसका जो प्रावधान है, जो कंद बीज से पौधशाला में तैयार लताओं द्वारा या पूर्व में लगी हुई फसल से प्राप्त लता कटिंग द्वारा किया जाता है। एक हेक्टेयर में रोपण हेतु लगभग 72,000 लता कटिंग जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी हो, जिनमें 4 से 5 इंटरनोड हो की आवश्यकता होती है। अब है इसके बीज दर प्रति हेक्टर कितना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक हेक्टर क्षेत्र में रोपण के लिए 500 मीटर वर्ग क्षेत्र में स्थापित करने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो एक हेक्टर जमीन के लिए पर्याप्त है। जैसे कि देख रहे हैं आप पिक्चर में कि यहाँ पर कटिंग कटा हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर का लंबी हुआ है और ये पौधा है, काट काट के पौधा बना हुआ है। किसान भाइयों, आजकल शकरकंद का जो खेती है उसको छत्तीसगढ़ शासन जो है बढ़ावा दे रही है और जो छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है पोषण राज्य पोषण बाड़ी योजना, उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखते हैं किसान भाइयों, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रोपण सामग्री का जो चयन है वो कैसे करते हैं। ये देखिए, हम जो बता रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर दूरी, ये देखिए ये जो ये एक लता है शकरकंद का, इसको अपन कटिंग करते हैं, इसमें 5 इंटरनोड ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 और 30 सेंटीमीटर लंबा ऐसा कट करते हैं। ये इस प्रकार से आप कटिंग करते जाएँ, ये देखिए ये अस्पताल के, और हर कटिंग में लगभग 3 से 4 इंटरनोड रहें। ध्यान ये देना है इसका जो आखिरी पोर्शन है 30 सेंटीमीटर इसको हटा देना है, इसको नहीं लगाना है, ये जो पोर्शन है ये इसको नहीं लगाना है और ज़मीन से भी 30 सेंटीमीटर जो है उधर छोड़ देना है। इस प्रकार से हम चयन करते हैं। अब देखते हैं किसान भाइयों, शकरकंद की सफल खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करते हैं और इसका रोपाई का तरीका क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। भूमि की एक बार गहरी जुताई यानी 20 सेंटीमीटर मिट्टी पर अपने ओवर या हल से करना चाहिए। इसके बाद 2 बार देसी हल से जुताई कर एवं पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। साथ साथ संपूर्ण खाद एवं उर्वरक को अंतिम जुताई के समय देना चाहिए। भूमि तैयार होने के उपरांत रोपण हेतु आपको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ निर्माण करना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका जो है उनका सर गड्ढा बनाना चाहिए। कटिंग का रोपण 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण खेत में तैयारी करते हैं। अब एक साथ भाइयों, रोपण सामग्री का चुनाव व उपचार कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब शकरकंद की अपन खेती करते हैं, जब लगाते हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान देना है कि लगाने से पहले
क्या हम इसका कुछ उपचार करते हैं, तो वो उपचार का तरीका क्या है, इसके ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी हम शकरकंद लगाते हैं तो उसमें कीड़ा प्रॉब्लम होता है, वो है शकरकंद की भी। यदि इसका कंट्रोल, इसका अटैक ना हो, इसके लिए हम इसका लता है उसको उपचार करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसके लिए जो है देखिए किसान भाइयों, जब रोपण के लिए शकरकंद या लता के जो अग्रभाग और मध्य भाग का चुनाव करते हैं, तो कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर प्रति कटिंग रखना चाहिए, ये मैं पहले बताया। तो उसी कटिंग को रोपण से पूर्व लता कटिंग को 0.05% क्लोरोपाइरीफास के घोल पे इसको 10 से 15 मिनट तक दोनों का उपचारित करना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों, जब हम लता कटिंग इसे कर्तन करते हैं तो काटने के बाद 2 दिन उस कटिंग को छाया में रखते हैं, बंडल बना के। लता कटिंग को छाया में इसलिए रखते हैं ताकि छाया में रखते हैं तो 2 दिन बाद जो है उसकी जो लता है उसमें जड़ें निकल जाती हैं हल्का हल्का, उसके बाद जो है उसको मेन खेत में लगाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप खेत दिवस में पूरा बंडल बंधा हुआ है, पूरा टेक लगा हुआ है, आप इसके ऊपर छाया में रख देंगे तो 2 दिन बाद जो है इसमें जड़ें जाएंगी, उसके बाद अपन लोग खेत में सीधा लगा देंगे। क्योंकि ये हल्का सा अंकुर आता है तो सीधा खेत में लग जाता है। आप देखते हैं किसान भाइयों की अच्छी सफल खेती के लिए खाद एवं उर्वरक का समुचित व्यवस्था करना, समुचित वन करना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इसके लिए अच्छी सड़ी गोबर या कंपोस्ट खाद लगभग जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। और ये जो खाद है इसको खेत के जुताई के अंतिम जुताई में इसको मिलाकर बराबर मिला देना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 3 खाद और डालते हैं किसान भाइयों, नाइट्रोजन, सुपर फास्फेट और पोटास। तो देखो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों, नाइट्रोजन जो है पौधों का व्यवहार को बढ़ाता है, सुपर फास्फेट है वो पौधों का जड़ का विकास करता है, और जो पोटास खाद है ये खाद पौधों को कंद बनने के लिए बहुत आवश्यक है, नंबर कंद बढ़ाने के लिए, कंद का विकास के लिए, और जो पौधे हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार से ये तीनों खाद का सकता होती है गोबर खाद के साथ साथ। तो किसान भाइयों, जब अपने खेत तैयारी करते हैं तो अंतिम जुताई के समय गोबर खाद मिला देते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी यूरिया की आधी मात्रा और सुपर फास्फेट और पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय मिला देते हैं। इस प्रकार जो है उन खाद पर उसके व्यवस्था करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन यानी यूरिया की शेष आधी मात्रा को जो है अपन रोपण के 30 दिन बाद और 60 दिन बाद देते हैं। अब किसान भाइयों, खाद उर्वरक प्रबंध हो गया, इसके बाद इसका निंदाई गुड़ाई भी बहुत आवश्यक है, इसको अपन जो है अंतःकरण किया कहते हैं। तो शकरकंद की फसल में रोपण के पश्चात 30 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 बार निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में घास फूस उग जाता है उसको हटाना बहुत ही आवश्यक है ताकि फसल का वो जो है ग्रोथ अच्छा हो। किसान भाइयों, गुड़ाई के समय जो फैली हुई लताएं हैं वो इधर उधर जो है चलती रहती है, उसको उठाकर जहाँ मेड़ बना है वहाँ पे सीधा रखते हैं और उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं, क्योंकि शकरकंद में हर गांठ पर जो है उसका जड़ निकलती है और वही जड़ जो है कंद का विकास होता है, कंद बनता है। इस प्रकार से इसका अंतःकरण किया करते हैं। इसके अलावा जो है किसान भाइयों, आप यदि इसमें हर्बिसाइड डालना चाहते हो तो जैसे कटिंग लगाते हैं उसके जस्ट कटिंग के 3 दिन बाद आप प्री इमरजेंस मतलब अंकुरण पूर्व ऐसी दवाई है जिसका नाम है पेंडीमेथिलीन, इस दवाई को 1 एकड़ में आप 750 मिलीलीटर जो है दवाई को घोल कर आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान ये देना है खेत में नमी बना रखना है, इससे जो है आपका जो घास उगने वाली है जैसे इसका बीज जो है जरूर समझता है उसको जो है वो खराब कर देगा और उगने से रोक देगा। इस प्रकार से भी आप इसका प्री इमरजेंस डाल सकते हैं। अब अपन चाहते हैं किसान भाइयों की शकरकंद के लिए जो है सिंचाई एवं जल के प्रबंध कैसे करें। चूँकि शकरकंद जो है ये वर्षा आधारित लगाते हैं तो इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रबी और ग्रीष्मकाल में लगाते हैं तो उसके लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है।
जो जो भी फसल है उसमें कम से कम 5 से 8 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किसान भाइयों बरसात के मौसम में आपको उचित जल निकास आवश्यक है। यदि पानी रुक जाएगी वहाँ पे तो फसल जो है मरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये कद वाली फसल है, पानी बिल्कुल भी जो है सहन नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना है। इसके जो फसल अवधि है अपन देखते हैं कि रोपण से लेकर कंद बनने तक का जो अवधि है वो कितने दिन का है। तो जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि अलग अलग किस्मों के अनुसार इसकी जो अवधि है अलग अलग है, तो इसका जो अवधि है वो 90 से 150 दिन तक का रहता है। लेकिन जो शीघ्र पकने वाली है वो अपन कंद जो कटिंग लगाने से लेकर 90 दिन में पक जाता है, कंद तैयार रहता है। अब अपन इसके बारे में आगे बताएंगे। और अब देखते हैं किसान भाइयों कि शकरकंद की खुदाई कब करें, इसकी फसल की जो पकने की पहचान क्या है, अपन कब खुदाई कर सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शकरकंद की खुदाई के लिए शकरकंद की फसल की प्रजाति के अनुसार 90 से 120 दिन में खुदाई योग्य हो जाती है। किसान भाइयों इसके लिए सबसे पहले यह है कि कंद की जो परिपक्वता है कि कैसे जाने कि वो कंद बराबर मैच्योर हो चुका है, इसके लिए अपन जो है परीक्षण करते हैं। वो परीक्षण क्या है, दो तरीके हैं। पहला परीक्षण क्या है कि जैसे अपन शकरकंद का जो वो है शाखा को तोड़ते हैं, यदि उसमें जो द्वितीयक कंद निकलता है सूखने के बाद यदि वो भूरा काला कलर हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा कंद अभी परिपक्व नहीं हुआ है। दूसरा तरीका क्या है, अब तक अपन जब शाखा को तोड़ते हैं द्वितीयक पदार्थ निकलता है सूखने के बाद यदि भूरा रहता है काला नहीं पड़ता है तो हम मानते हैं कि हमारा शकरकंद जो है वो परिपक्व हो गया है और खुदने खुदाई के लायक हो गया है। तीसरी चीज़ यह है कि अपन विजुअल मतलब आँख से देखते हैं कि जो शकरकंद की फसल जो है जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है और जो स्टेम है तना है उसके पास जो है दरारें आ जाती है, कंद का जो विकास होता है तो फटने लगता है जरूर। तो हम मान लेते हैं कि ये अपना शकरकंद जो है खुदाई के लिए तैयार है, हम खोज सकते हैं। इस प्रकार से है सर्वप्रथम जो है खुदाई से पूर्व जो है 2-3 दिन पहले आप लताओं को काट कर अलग कर देना है। साथ ही साथ जो है खुदाई सावधानी पूर्वक करना है और मेड़ के दोनों किनारों पर फावड़े से तथा गेती की सहायता से करना चाहिए। किसान भाइयों ध्यान ये देना है यदि शकरकंद को जरा भी डिमेज हो जाएगा, जरा भी इसका खरोच पहुँच जाएगा तो वो खराब हो जाता है। किसान भाइयों को ये भी बताना चाह रहा हूँ यदि आप खुदाई जैसे फसल आप लगाते हो जो भी लगा शुरू में तो आपको अवधि को गिनना जरूरी है। यदि आपका फसल जो है 90 दिन का है या 120 दिन का है, यदि आपका फसल 120 दिन से 1 या 2 दिन भी अधिक हो जाएगा तो उस दरमियान जो है आपका यदि खुदाई नहीं कर पाते हो तो किसान भाइयों उसमें कीड़े कटे का जाएगा और ये जो कीड़े है उबीन है मैं आगे बताऊँगा वो आपका कंद को खराब कर देता है। इसलिए आपको फसल अवधि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और आपको समय पर खुदाई करना बहुत आवश्यक है। आप किसान भाइयों को पौध संरक्षण शकरकंद को बचाना जैसे कि अभी चर्चा किया कीड़ा लग जाता है तो इसमें कौन कौन से मुख्य जो कीड़े हैं इसके बारे में बताऊँगा। किसान भाइयों जल्दी जो है शकरकंद में 2 प्रकार के कीट ज़्यादा लगते हैं, तो मुख्य जो कीट है उसका नाम है शकरकंद का विभीर। ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं और इसके जो प्रौढ़ हैं और प्रौढ़ और शिशु दोनों नुकसानदायक हैं। ये जो शिशु है वो कंद में घुसकर सूरा पाल लेते हैं और उसे अंदर 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 खाते हैं, धीरे धीरे पूरे कंद में छेद कर जाते हैं और कंद जो है पूरा पाला पड़कर सड़ जाता है। प्रौढ़ क्या करता है, प्रौढ़ जो है अपन स्टोरेज कर लिए खोद के अपन रखते हैं तो वहाँ पर भी जाकर खा जाता है पूरे। और किसान भाइयों जिस कंद पे यदि कंद में जो है विभीर लगा है तो वो कंद का जो आकार जो है सामान्य कंद से बढ़ जाता है, आपको ये भी पहचानना है। यदि जो कंद का आकार सामान्य कंदों से मतलब बड़ा बढ़ गया है वो समझ जाना वहाँ पर विभीर का डेट हो चुका है, ये पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो अपन जो बात कर रहे थे पहला जो मुख्य कीड़ा है इस कीट का नाम है शकरकंद विभीर। ये शिशु अवस्था और इसका आर्थिक क्षति पहुँचाते हैं कंद को, कंदों में छेद कर सुरंग बनाते हैं जैसे मैं पहले ही बताया, और जो क्षतिग्रस्त जो कंद हैं वो सामान्य कंद से आकार में बड़े हो जाते हैं जो बिल्कुल ही खाने के लायक नहीं रहते हैं। इस प्रकार से आपको पहचानना है।
अब किसान भाई है उसका कंट्रोल कैसे करें, इसका नियंत्रण बहुत ही आसान है। जैसे कि पहला सबसे पहले ये है सावधानी कि आप जब कंद लगाते हैं उस दरमियान वो लगाते हैं कटिंग लता, उस दरमियान आप जो उपचार करना है लता को उसको उपचार करके लगाएंगे तो आपका कीड़ा का अटैक नहीं होगा। दूसरा, यदि आपको रोपण करते समय जो फोरा टेंजी है उसको या 15 किलोग्राम या फिर क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी इसकी 1.5 मिलीमीटर को प्रतिलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण आसानी से होता है। आप किसान भाई अब जब वो लगाते हो कटिंग या कंद लगाते हो उसके दरमियान भी आप फोरेट को जहाँ जहाँ पौधे लगा रहे हैं वहाँ डालेंगे 10 से 15 ग्राम तो भी इसका जो है नियंत्रण होता है। अब दूसरा मुख्य कीट है उसका नाम है बिहार रोएदार की। ये कीट क्या करता है कि यह कीट पत्तियों के सिराओं को छोड़कर सभी हरे भाग को खाकर सीधा फूल बना देता है, यानी कि कंकालीकरण कर देते हैं। इसलिए आपको इसके नियंत्रण के लिए ग्रीष्मकालीन मेहनती करनी चाहिए, शुरुआती दौर में ही अंडे के समूह को और इल्लियों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो है जो दवाई है रसायनिक दवाई क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी जो पहले बताया उसको 1 से 1.5 मिलीलीटर दवाई को प्रतिलीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें और लक्षण दिखते ही 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करने से इसका कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों ये तो क्लियर रहा। एक और जो है हमारा जो सामाजिक जो कीट है जिसको अपन बोलते हैं चूहा, उसका भी अतिक होता है क्योंकि चूहा के लिए बहुत ही चावदार है। यदि आपके खेत में कंद बन गया है तो इसका पहचान है, यदि एक भी खेत में आपका चूहा का वो दिखा, चूहा का घर बना हुआ दिखा तो समझ जाओ कि आपका कंद का विकास हो गया है और चूहा ठीक हो गया है। आप चूहा को भगाना है तो उसके लिए दो तरीके हैं किसान भाइयों। एक ये है कि आप उसको जो है रासायनिक दवाई देकर मारें और दूसरा जो है वो जाली लगा कर मार सकते हैं। तो जो रासायनिक दवाई है जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक जहर है पाउडर है उसका उपयोग करते हैं अपन, तो इसको चूहा को मारने के लिए कैसा तरीका बनाते हैं। सर्वप्रथम इसको अपन लोग एक तरीका है सिस्टम है जिसे अपन पेलेटिंग कहते हैं। पेलेटिंग कैसा है कि गेहूं का आटा लेते हैं और सरसों का तेल, गेहूं का आटा को गूंथ लेते हैं और उसके बाद तेल को भी डाल देते हैं और उसको उसमें छोटा छोटा गोली बनाते हैं। गोली बनाने के बाद उस जो पेलेट है उसको चूहे के जो बिल है वहाँ पर छोड़ देते हैं। ऐसा आपको 2 दिन तक जो है उसको खाना पड़ता है चूहे को, उसमें जहर नहीं डालते हैं। 2 दिन बाद जो है जब हम फिर से पेलेट बनाएंगे तो उसमें जो है आप जो मैं दवाई बोल रहा हूँ एल्युमिनियम फॉस्फाइड उस दवाई को उसके बीच में डाल दें और फिर से लड्डू बना लें और उसके बाद उसके जो सूरज है वहाँ पर लेकर छोड़ दें ऊपर लें तो वो खाकर मर जाएगा। लेकिन किसान भाइयों ध्यान ये भी देना है उस दरमियान वहाँ आस पास कहीं भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो चूहा खाएगा उस लड्डू को दवाई को उसको प्लेट को तो उसका मुंह जो है उसका गला सूख जाएगा और तेज़ी से पानी को दौड़ेगा। यदि उसको पानी नहीं मिलेगा गला सूख जाएगा और वहीं पर पकड़ा के मर जाएगा। ये तरीका है इसका नियंत्रण करने का। दूसरा किसान भाइयों ये तरीका है, गाँव में आजकल मक्का का दाना आसानी से मिल जाता है, उस मक्के के दाने को थोड़ा सा भिगो लो रात भर पानी में, सवेरे इसमें जो है सवेरे मिला लो उसको भिगा दो शाम सवेरे और शाम के समय उसको निकाल लो और उसमें जब भुट्टी आएगा फूल जाएगा तो उसमें उस दवाई को आप उसे मिला लो हल्का हल्का, उसके बाद जहाँ जहाँ सुरंग है वहाँ पर रख दो। ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका क्या होता है कि आजकल बाजार में मिलता है भजिया, गेहूँ भजिया आप बनवा लो। गेहूँ भजिया को जो है उसमें क्योंकि इसका जो चूहा है वो तेल का सेंट भजिया का सेंट में बहुत तेज़ी से उसको खाता है तो उसमें भी भजिया का सब तोड़ लें हल्का सा बीच में और वहाँ बीच में हल्का सा दवाई डाल दें और बंद करके रख दें। ये भी एक तरीका है। और सबसे बड़ा चावा है चूहे का वो है सूखा मछली। सूखा मछली है वो एक दो पीस जो है उस मछली को जो है आप ले आओ सूखा मछली को और हल्का सा आगे में भून दो ताकि उसका सेंट जो है आए, उसका सेंसर बहुत फास्ट होता है चूहे का जो है तो उसका सेंट आएगा तो उस मछली को जो है हल्का सा आगे में भून दो ठंडा हो जाने दो, फिर उसमें उसे गुदा में हल्का सा दवाई को मिला दो। मिलाने के बाद आप जगह जगह खेत में रख दें जहाँ जहाँ उसका सुगम बना है, आप देखिएगा चूहा पूरा चट कर देगा और दूसरे दिन पूरा चूहे खत्म। तो इस प्रकार से चूहे को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं।
अब देखते हैं किसान भाइयों, ये तो कीट के बाद इसमें कुछ रोग भी लगते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हमको बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो है ये एक रोग लगता है, उसका नाम है ब्लैक राउट। ब्लैक राउट मतलब कंद सड़न रोग। इसका क्या लक्षण है? तो इसके प्रकोप से तना तथा कंदों के ऊपर काले रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और स्वाद व कड़वा हो जाता है। तो इसके ये पहचान है। इसके रोकथाम के लिए आपको स्वस्थ रोपण सामग्री का उपयोग करना है, साथ साथ फसल चक्र अपनाना है और रोपण के पूर्व है आपको सामग्री को फफूंदनाशक दवाई जैसे बॉस्टिन है, एथेन 45 है, आज का बाजार में कवच के नाम से भी आ गया है, या फिर जो है और ब्रक्सिकॉल है, ये घोल है, उसमें 30 मिनट तक आप उसको कटा या कटिंग को उपचार करके ही लगाना चाहिए, तो इससे निपट जाता है। साथ साथ जो पत्ती में आप जो दवाई बताया जैसे बॉस्टिन है, 45 है, इसको 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर आप लक्षण इसमें करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह का किसान भाइयों कंट्रोल नहीं हो रहा है, 15 दिन बाद जो है कापर ऑक्सी क्लोराइड दवाई है उसको भी आप 2 ग्राम प्रति पानी में घोल बनाकर आप पौधों में छिड़काव करेंगे इस तरह की सहायता से, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अब देखते हैं किसान भाइयों कि इसका प्रति हेक्टर उपज कितना है और इसको अपन भंडारण कैसे करें। तो मैं अलग अलग प्रजाति के हिसाब से पहले बता चुका हूँ, फिर भी एवरेज जो है शकरकंद की फसल के प्रजाति के अनुसार 180 से लेकर 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत कंद उपज प्राप्त होती है। साथ ही साथ कंदों को खुदाई के उपरांत 2-3 दिन तक इसको छाया में रखने के पश्चात गड्ढों में या लकड़ी की बुरादे या रेत के साथ भंडारित करने पर 2 से 3 महीने तक इसको सुरक्षित रखा जाता है। इस आजकल किसान भाई लोग क्या करते हैं कि घरों का मुंह पर मलबल के कपड़ों से बंद कर देते हैं और कंदों को 3 माह तक सुरक्षित रख सकते हैं। शकरकंद में जो है विभिन्न कीट का प्रकोप है, उस कंद को वहाँ पे कंदों के साथ नहीं रखना है, अलग रखना है और भंडारण नहीं करना है, जब सारे कंद को खराब कर देगा। इस प्रकार से जो है अपन भंडारण कर सकते हैं और आसानी से उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई आप लोग देख रहे हैं फोटो में अलग अलग जगह देखो बहुत सारे किसान प्रेरित आते हैं, खेत बीज कर रहे हैं, लगा हुआ है, हमारे जो कृषि ग्रंथ के वैज्ञानिक जो है इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और कुछ कम जो है अभी हम जो आपको बताया बहुत सारे किस्मों का उसका कम जो है आप देख रहे हैं फोटो में जो है अलग अलग रखे हुए हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इस प्रकार से सफल खेती हेतु हमारे शकरकंद की जो खेती है उसको अपनाने के लिए आप बताए गए जो मार्गदर्शन है जो अपन चर्चा किए हैं उसको अपनाकर आप सफलतापूर्वक जो है आप इसकी खेती कर सकते हैं। धन्यवाद।